हेलो एवरीवन, दिस इज दिशा। वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकल दिशा। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, मोलन डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4 केल्विन केजी मोल इनवर्स। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर 0.03 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इज। एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो द फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। I है यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर, KF है कांस्टेंट जो हमें दिया हुआ है 4, और स्मॉल m है मोलैलिटी जो हमें दी हुई है 0.03। K2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर होगा 3, क्योंकि इसमें टोटल 3 आयंस है। सो KF की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 0.03 है, i की वैल्यू है 3। तो हमें बस अब वैल्यूज पुट करनी है और आंसर विल बी 0.36 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स ए एंड बी हूज एब्युलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:5। रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डेल्टा टी बी ए अपॉन डेल्टा टी बी बी इज। सो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला होता है आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है तो आई तो इनका 1 ही होगा, आई नहीं आएगा टर्म यहाँ पे क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है। के बी दोनों की के बीस की रेशियो हमें दी हुई है 1:5 और मोलैलिटी दोनों की सेम ही होगी बिकॉज 1 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो मोलैलिटी दोनों की सेम। सिर्फ के बी पे डिपेंड करेगा डेल्टा टी बी। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, आई यहाँ पे नहीं होएगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, तो इसी रेशियो में होगा इनका डेल्टा टी बी भी। के बी इसकी रेशियो 1:5 थी, डेल्टा टी बी भी इसी रेशियो में होगा। थर्ड, इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl एंड BaCl2 आर प्रिपेयर्ड इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज -2°C, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ BaCl2 सॉल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू बी। NaCl के लिए I की वैल्यू 2 होगी, BaCl2 के लिए I की वैल्यू 3 होगी। सो डेल्टा TF इज IKFM, NaCl के लिए 2 × KFM, BaCl2 के लिए 3 KFM। दोनों की रेशियो लेंगे, डेल्टा TF 1/ΔTF2 विल बी 2/3। डेल्टा टी एफ 1 हमें 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसकी जगह यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। यस, सो इट विल बी -3°C आफ्टर सॉल्विंग। फोर्थ, एक्वा सॉल्यूशन इज 1 मोलल इन के आई विच चेंज विल कॉज वेपर प्रेशर टू इंक्रीज। एडिशन ऑफ के आई, एडिशन ऑफ वॉटर, एडिशन ऑफ NaCl, एडिशन ऑफ Na2SO4। सो बाई एडिंग वॉटर मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई कम हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉटर विल इंक्रीज। सो बाई इफ वी एड वॉटर देन वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, क्योंकि के आई, NaCl और Na2SO4 ये सारे सॉल्यूट्स हैं
जितने ज्यादा सॉल्यूट होंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होएगा, और जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा. सो आंसर विल बी एडिशन ऑफ वॉटर. क्वेश्चन 5. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड CH2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला इन 40 ग्राम ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड टू फ्रीज एट -0.465 डिग्री सी. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज. तो इस क्वेश्चन में डेल्टा TF इज इक्वल टू KFm. स्मॉल m की अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम. बस वो वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है. वो आ जाएगा 180. n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 180/36. n मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला. सो 6 टाइम्स CH2O, C6H12O6. राइट आंसर विल बी डी. क्वेश्चन 6. वेंट हॉफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है Ba OH ट्वाइस. तो इसमें टोटल 3 आयंस आर देयर. क्वेश्चन 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज सेम वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इफ ऑल आर 100% आयोनाइज्ड. तो Al2SO4 थ्राइस में 5 आयन्स है, इसका आई 5 होएगा, आई विल बी 5. अब हमें एक ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें आई की वैल्यू 5 हो. ए में होएगी 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 4. सो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन 8. इफ 1 मोल ऑफ NaCl सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू 1 kg ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार. Kb इज 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स. डेल्टा Tb इज इक्वल टू I इंटू Kb इंटू m. I की वैल्यू है 2, Kb 0.52, m है 1. बस वैल्यूज पुट करेंगे. Tb डैश विल बी द Tb ऑफ प्योर वाटर प्लस डेल्टा Tb. Ninth, which of the following aqueous solution should have highest boiling point? 1 molar NaOH, 1 molar sodium sulfate, 1 molar ammonium nitrate, 1 molar KNO3. सबकी concentration same है. अब जिसका I ज्यादा होगा उसमें elevation in boiling point ज्यादा होगा, तो उसका boiling point highest हो जाएगा. हमें I लिखने हैं सबके. 2, 2, 3, 2. तो आंसर बी होगा क्योंकि इसका आई सबसे ज्यादा है. 10th, KH वैल्यू ऑफ आर्गन गैशियस CO2 गैशियस HCHO गैशियस एंड मिथेन गैशियस आर 40.39, 1.67, 1.83 इंटू 10^-5, 0.413 रिस्पेक्टिवली. अरेंज दीज गैसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटीज. इसमें हमने हेनरीज लॉ यूज करना है. अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एक फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. जो KH है दैट इज हेनरीज कॉन्स्टेंट, और
सॉल्युबिलिटी एक्स, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कॉन्स्टेंट ऑफ द गैस. दैट्स व्हाई जिस गैस का हेनरीज कॉन्स्टेंट बड़ा होगा वो सबसे कम सोल्यूबल होगी. सो आर्गन विल बी लीस्ट सोल्यूबल एंड एच सी एच ओ विल बी मोर सोल्यूबल. मोस्ट सोल्यूबल एच सी एच ओ होगा और लीस्ट सोल्यूबल आर्गन होगी. सो राइट आंसर विल बी सी. थैंक यू.